चले जाब আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে সরাসরি তুষার শ্রীবাস্তব। তুষার জি, जैसे फोर्सफुली विक्टिम का शेषकृत संपन्न कर गया है पुलिस ने, ये जो भूमिका है पुलिस का, ये तो प्रश्न उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये अंतिम संस्कार किया गया, पुलिस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं है, ये सवाल तब से है जब से गैंगरेप उसका हुआ, उसके साथ जब गैंगरेप की गई उसके बाद से पुलिस ने काफ़ी इसमें हिलावाली की, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखना चाहती थी, पुलिस ने जब गैंगरेप की जो बात है वो अभी तक नहीं स्वीकार की, जबकि उसका परिवार है जो पीड़िता का वो लगातार चिल्ला रहा है कि उसके साथ गैंगरेप की गई, उसकी जीभ काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। हमारा भी सवाल ये है कि आखिर में जब उसकी सिर्फ उसको गला दबाया गया तो उसकी मृत्यु 14 दिन बाद कैसे हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले 307 में FIR दर्ज की गई, उसके बाद उसको जो पहला आरोपी था उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, फिर बाद में जब दबाव बढ़ा तब हाथरस पुलिस ने उसको दोबारा पकड़ा और उनके साथ 3 और आरोपियों को पकड़ा है। ये एक बड़ा सवाल पूरे जो यूपी पुलिस की जो है उसकी भूमिका पर खड़ा हो रहा है कि इमेज बिल्डअप करने में सिर्फ पुलिस लगी हुई है, अपने आप को बचाने में लगी हुई, उस पीड़िता को न्याय देने में किसी भी तरह से पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। क्योंकि अगर बात करें तो अंतिम संस्कार की, हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो सूर्यास्त के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, और यही बार बार पुलिस भी कह रही थी और उसका परिवार भी कह रहा था बार बार कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका रात में हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उसे एक बार हमको अपने घर ले जाएंगे। उसका माँ, उसकी जो माँ है वो चीख चीख के चिल्ला रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। पुलिस ने बलपूर्वक उसके घर से 600 मीटर की दूरी पर ले जाके पीड़ित का जो शव है उसका अंतिम संस्कार कर दिया, और इसका जो इसको लेके जो गांव में है काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस ने फोर्स लगाई, PAC को तैनात किया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे पुलिस की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, और अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ एक वहाँ के SHO को लाइन हाजिर किया गया और लाइन हाजिर भी कोई सजा नहीं है, उसके बाद दोबारा उसको थाना दे दिया जाएगा, ऐसा ही इस प्रक्रिया में चलता है। लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि आखिर में उसके साथ गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर गैंगरेप नहीं हुआ तो उसके ऊपर 376 आरोपियों के ऊपर DM ने कल क्यों लगाया? कल DM ने साफ तौर पर अनाउंसमेंट किया कि आरोपी हैं उनके ऊपर गैंगरेप की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। तो ये एक बड़ी भूमिका है, चाहे वो अगर बात करें हाथरस पुलिस की, चाहे वो बात करें लखनऊ में मौजूद DGP की, क्योंकि DGP के ऑफिस से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और लगातार क्लेरिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, लड़की के साथ हैवानियत नहीं की गई, जबकि माँ चीख चीख के कह रही है कि लड़की की जीभ काटी गई है, लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, और जो सरकमस्टांसेज है वो भी यही कह रहे हैं कि लड़की के साथ हैवानियत की गई है। क्योंकि अगर हैवानियत नहीं की गई होती तो 14 दिन बाद सिर्फ गला दबाने से मृत्यु, ये संभव नहीं है, ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है और जस्टिफाई भी नहीं होता है, क्योंकि गला अगर दबता है तो जो व्यक्ति होती है उसकी मृत्यु तुरंत होती है, ना कि 14 दिन बाद। लेकिन पुलिस की इस कार्यशैली पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस जिस तरह से हिलावाली कर रही है कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि पुलिस आरोपियों को पूरी तरह से बचाने के मूड में है, पुलिस नहीं चाहती कि वो आरोपी जेल जाए। और इसके पक्ष इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी हद तक शुरू हो गई है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तमाम जो पार्टियाँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भीम आर्मी हो या फिर बसपा हो, इन्होंने भी राजनीति शुरू कर दी, कैंडल मार्च एक बार फिर से निकलना शुरू हो गया, और ये कैंडल मार्च उसी तरह जिस तरह से निर्भया कांड में भी कैंडल मार्च निकला था, कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं अगर भीम आर्मी की बात करें तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए थे, वहां पर उसने धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था। तो इन सब पूरे अगर बात करें तो सिर्फ जो कमियां दिखी हैं वो तो सिर्फ पुलिस की है। अगर देखिए जो घटना हुई वो तो घटना हुई, वो बेहद ही अफसोसजनक घटना थी, लेकिन इसके बाद जो पुलिस कर रही है वो एक कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ रही है। क्या ऐसे ही पुलिस होंगे? क्या इसी तरह से जो गुड़िया है, चाहे वो अगर उसको गुड़िया कहें या निर्भया कहें, आसिफा चाहे जो नाम दे, उसके साथ क्या इसी तरह से न्याय होगा? एक बार फिर इतनी बड़ी हैवानियत की गई है, क्या अगर ये कोई एक ऐसी पहली घटना नहीं है? इससे पहले भी सीतापुर में, गोरखपुर में, लखीमपुर में ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। अगर इस तरह से पुलिस का रवैया रहेगा तो निश्चित तौर पर जो लोगों का कानून पर है वो विश्वास नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में अगर पुलिस ने बात करें तो योगी सरकार ने, तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि
ऑपरेशन दुराचारी करके अभियान चलाएंगे हम, और जो इस तरह की हैवानियत दुराचार करेंगे अमन चले होंगे उनके हम सड़कों पर पोस्टर लगाएंगे। लेकिन इस केस में कहीं भी नहीं दिख रहा अगर इस तरह से पोस्टर लगेंगे, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस ने जो जो आरोपी है उनको बचाते हुए दिख रही है, तो फिर पोस्टर कैसे लगेगा? वही सवाल पुलिस के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार जी।